भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ममता मीना के पक्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंचे आज मधुसूदनगढ़, जहां पर उन्होंने एक आम सभा को संबोधित करते हुए ममता मीना को वोट देने की अपील की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में कांग्रेस को नहीं आने देना है और ना ही उन्हें वोट देना है, क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं हैं वह सब नर्मदा में बहा दी जाएंगी और जिनमें से किसी का भी फल किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के लोग उनसे जलते हैं, साथ ही गुस्सा भी होते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को केवल यह पता था कि सिर्फ राजा महाराजा ही राज कर सकते हैं। मुझ जैसा किसान का बेटा अगर राज करेगा तो इनको नागवार गुजरता है। जितनी योजना मैंने बनाई सब डुबो डुबा के नर्मदा मैया में फेंक के आई, और जिस कांग्रेस को नहीं आने देना है मैं आपसे अपील करने आया हूँ, क्योंकि मेरी चार सभा के बाद 4 बजे भोपाल पहुंचना है, पूरे प्रदेश को संबोधित करना है। बहन ममता मीणा को हमने अपना उम्मीदवार फिर से बनाया है। आप ममता बहन को आशीर्वाद दीजिए, एक बार फिर से आप विधायक बनाइए। मधुसूदनगढ़ में जो कुछ किया है मैंने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया, आप जानते हो, उपलब्धियां गिनाने की जरूरत नहीं है। बताओ मधुसूदनगढ़ में इतना काम कांग्रेस ने कभी किया था क्या? और आगे भी कसर नहीं छोड़ूंगा, मामा ही काम आएगा, समझ लेना। ममता बहन जो कहेगी कर करके आपको देता जाऊंगा विकास का काम, गांव गांव में विकास की गंगा बहाइए, चिंता मत कीजिए। आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है, ममता को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए, शिवराज को आशीर्वाद दीजिए, ताकि फिर से सरकार बना के मध्य प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जा सकूं। इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बोले सबका आशीर्वाद मिलेगा, सड़क मार्गों का भी मिलेगा। कि मामा ने कह दिया बार भी मैं 75% नंबर लेके आए, मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी फ्लैट में रस्ते का माल सस्ते में 200 रुपया ले जाओ, बिजली ले जाओ। और एक बात सो गुस्सा है, ये राजा महाराजा उद्योगपति ये मान के बैठे थे कि राज चलाना तो हमारा अधिकार है, ये किसान का बेटा कहां से आ गया बीच में? अरे भैया राजा महाराजो, ये लोकतंत्र है रे, यहां चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता और हल चलाने वाले का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता। जितनी योजना मैंने बनाई सब डुबो डुबा के नर्मदा मैया में फेंक के आई, और जिस कांग्रेस को नहीं आने देना है। आजकल राहुल बाबा दिल्ली से आते और कहते हैं कि ये माफ कर दूंगा वो माफ कर दूंगा, आज तुमसे कहा चंदा मामा ले आसमान से तोड़ के दे, हाँ ला के दे दूंगा 10 दिन के बाद। कांग्रेसियों को गुस्सा आता है, 15 साल हो गए कुर्सी बगल में है नहीं, कुर्सी के बिना जी नहीं सकते, एक कुर्सी तेरे बिना भी क्या जीना है, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है वैसे तड़प गए, कब आएगी कैसे मिलेगी? रात रात वो सोते नहीं, मुझे गालियां देते रहते हैं, करवटें बदलते रहे सारी रात, हम आपकी कसम सनम आपकी कसम, कब आएगा?